आप जंगल में आए उसको एंजॉय कीजिए, मतलब ये नहीं कि टाइगर एक अप्रोच ये नहीं रखना, टाइगर ही देखना है, टाइगर के अलावा बहुत कुछ है देखने के लिए ना। Hey everyone, my name is Dhruv and you're welcome to my YouTube channel. Another video, another day 2 vlog, जहाँ पर हमारा होने वाला है the camp sighting, the Jim Corbett National Park visiting in Jeep. तो जीप सफारी के बारे में आप सबको इस एरिया तक पहुँचने में, क्योंकि ये बिजरानी जोन के अंदर हम जीप सफारी करेंगे एंड स्टार्ट होती है हमारे होटल से ही, पिकअप से एंड ख़त्म होती है हमारे होटल पे जाके। सो अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड बी यू क्रिएट न्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ये वीडियो अगर पसंद आई तो ज़रूर शेयर कर देना, डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई हैव गिवन इन द वीडियो। सो सिट बैक एंड एंजॉय। So this is starting off another day, another time, और आज जाने वाले हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड द जीप सफारी इज ऑन। एक तो इतनी बातें करी, इतना चिल्लाए, इतने क्या क्या क्या, गला इतना भारी हो रखा है, पर सुबह सुबह की ये भारी आवाज़ भी एक अलग ही आवाज़ होती है, देर सुबह ऐसी भारी है। तो कल हमारा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैजुअल विजिट था तो हमने ऐसे ही कपड़े पहन लिए थे, पर आज हमारे होने वाली प्रॉपर एक जंगल सवारी तो उस हिसाब से पूरे सज धज के ऐसे कपड़े पहनने वाले हैं। अब थोड़े फ्रेश होते हैं एंड फ्रेश होने के बाद मिलते हैं, क्योंकि बोला नहीं जा रहा है अभी। So we have all got a combination of jackets, leather boots, and everything, क्योंकि आज जो कंसेप्ट है हमारा ट्रैकिंग का या जो भी जंगल सफारी कह लो, वो कमरा फैला हुआ है एंड हमारी जीप बाहर आ चुकी है। तो हम में से तो फिलहाल अभी कोई भी नहीं नहाया है क्योंकि टाइम ही नहीं है, लेट उठे थे, बाहर दिन का क्या टाइम है ना। ओए कितनी हवा चल रही है ठंडी। ओके सो रूम थोड़ा सा फैला हुआ है एंड दिस इज द आउटफिट ऑफ द डे। यहाँ पर मैंने अपना स्लिंग बैग लगा लिया है एंड हियर इज द बैग, मतलब पैकिंग वगैरह सारी हो चुकी है एंड नाउ वी आर लीविंग फ्रॉम द होटल फॉर द जीप सफारी एंड द पर्सन जो हमें जीप सफारी पे लेके जाएंगे ही इज कमिंग इन द होटल पार्किंग। सो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ चलते हैं। दिस इज क्वाइट अ ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ पर पूल है, हर चीज़ है एंड ओवरऑल अच्छी जगह है। मेरी वजह से ना हर बार लेट हो जाता है। और आपका नाम? मैं यशपाल। मैं यशपाल जी। सो वी आर ऑल सेट टू लीव। अब यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर है एंड हवा देख, एक बार लोकेशन पर पहुँच जाते हैं, थोड़े ही साथ दिन निकलने देते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। भाई ऐसा लग रहा है किसी ने हेयर ड्रायर चला दिया 3 घंटे तक, वो भी चिल्ला हुआ। सो वी हैव एंटर्ड फ्रॉम द बिजरानी गेट 1। अब यहाँ से जीप सफारी हो जाती है सारी स्टार्ट एंड फर्स्ट हम एंट्री करेंगे एंड दिस इज द मॉर्निंग सफारी। सो फिर देयर आर चांसेस दैट कैन साइट एनी स्पेसिफिक एनिमल और एनी। वी आर फाइनली हेडिंग टुवर्ड्स द टाइगर रिजर्व। तो आने वाले समय में गवर्नमेंट इनको वहाँ शिफ्ट करेगी, ये लाइट वाइट जल्दी ना, और इन लोगों को थोड़ा बाहर चारा या सूखी लकड़ी लाने का राइट भी है जब तक गांव है। और ये हर पूरे इंडिया में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उनके आसपास जो भी गांव होते हैं उनको थोड़ा बहुत राइट होते हैं। और ये जंगल जो है एशिया का पहला नेशनल पार्क है और भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर है। दीज आर द स्मॉल विलेजेस इन दिस नेशनल पार्क। आदमपुर दो थे और गवर्नमेंट में भी अभी भी मैनिटर है या अभी तो नहीं है? अभी नहीं है। मैनिटर टाइगर्स एंड एनिमल्स। सो दिस इज द कंप्लीट मॉर्निंग लुक ऑफ द फॉरेस्ट एंड दिस इज द बिगनिंग। वी विल गो डीप एंड डीप इनसाइड द फॉरेस्ट एज द टाइम गोज बाय एंड वी आर इन द जीप स्पॉटिंग ऑल द एनिमल्स, लोकल एनिमल्स। आई मीन यू कैन जस्ट फील द पीस
of a jungle over here. Why you gotta go? Why you gotta go? I just wanna know. I just wanna know now. Do now. इसका कोई कंपैरिजन नहीं है. व्हेन यू कम इनटू अ जंगल यू नोटिस दैट हाथों के अंदर चटकारे लग रहे हैं. चटकारे दो पार्ट ऐसे हैं इसके. तीन चार पार्ट ऐसे हो जाते हैं वो 15 नवंबर से 15 जून खुल रहे हैं. अगर टाइगर सबको ही दिखने लगेगा तो वैल्यू खत्म हो जाएगी टाइगर की. लेकिन वो रॉयल एनिमल भी है. रॉयल एनिमल है. डियर्स शांति फील करो यार एक बार. बिजरानी कैंप पे यही हुआ. बिजरानी कैंप ये स्टाफ क्वार्टर है. वो सामने गेस्ट हाउस है बिजरानी का. सो वी आर एट बिजरानी राइट नाउ. बिजरानी का ये रिजॉर्ट है. यहाँ पर रुकने के लिए ऑनलाइन बुकिंग वगैरह होती है. फिलहाल हम तो बाहर रुके हुए थे. सो यहाँ बिजरानी के अंदर आए हैं. एंड यहाँ पर आकर ये तो ठंड इतनी ज्यादा है. अकड़ गए. वी विल हैव कॉफी. मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ. जैसे ये गेस्ट हाउस है एंड यहाँ पर प्रॉपर जाली वाली लगी है ताकि कोई एनिमल ना आए. एंड वहाँ पर फेंसिंग है ताकि कोई भी एनिमल जो है वो क्रॉस करके यहाँ ना आए. पर दिस इज ऑल्सो अ ब्यूटीफुल स्टे. गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना. जो जीप के पीछे बैठा हुआ था सुबह 6 बजे बाल धोकर आया था उसके बाल ऐसे चल रहे जैसे पूरी तरह से हेयर ड्रायर चल रहा है. अगर ठंड में यहाँ पर आ रहे हो तो ग्लव्स अपने लेकर आना. और जीप सफारी में सुबह सुबह आपकी अगर सफारी होती है दोपहर के अंदर तो जब होगी तब तो पता नहीं कैसे तैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा. आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे टाइगर दिखेगा नहीं दिखेगा. पर जो मोमेंट है जो टाइम है एंड जो यहाँ जाके पीस मिलता है वो आपको मिल के रहेगा. मैंने कॉफ़ी ऑर्डर करी है. हॉट कॉफ़ी विथ चॉकलेट पाउडर. नेचर को महसूस करो. नेचर है. आप देखो कल ही क्विक रियलाइजेशन आया था कि काम में इतने बिजी हो जाते हैं ना इतने ज्यादा कि ब्रेक लेना भूल जाते हैं. ये ठीक रहता है इससे ना. हाँ जी ये क्लियर रहता है. वाइड भी ले लेता है सबको ले लेता है. हम 2-8 में आए दिनों में बताना नहीं पड़ता. वो सारी चीजें ना सेट हो जाती है. ब्रेक ना वो बन जाती है. जूम वगैरह हां हां करता तो हो जाता है आराम से. जंगल एंजॉय कीजिए. These are the very sweet people everywhere. Very sweet, very sweet. Very sweet. जिस जो यहाँ का है उसको पता है. उसको पता है. उन्होंने बोला है कि ढिकाला जाना अगली बार तो जाना है. वापस आना पड़ेगा बताओ. चले आए. तो द फर्स्ट ब्रेक इज ऑफिशियली डन. इस जीप पे ये जीप होनी चाहिए. कहाँ पे? दिल्ली में. ये जो ग्रासलैंड्स हैं इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं. अच्छे लगते हैं देखने में. ब्यूटीफुल. यहाँ पर एक बार आना तो आपको बनता है अगर आपको जंगल फील करना है या कुछ और ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है. इन द जीप होटल से लो जीप. भैया उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा तो वहाँ से आप बुक कर लेना. कोई दिक्कत नहीं है. ही विल गिव यू द बेस्ट प्राइजेस. क्योंकि हम भी एक साइट सीन के लिए आए हैं तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं. बस एक्सप्लोर होता जा रहा है अपने आप. तो मुझे यहाँ के बारे में ऑब्वियसली कुछ नहीं पता. सो आप शॉर्ट्स एंजॉय करो. जो जंगल की वाइब है ना अपने कान में ईयरफोन लगाओ या फिर हेडफोन्स लगाओ एंड देखो एंड फील करो. अच्छा ये टाइगर के मार्क्स हैं यहाँ पे. सो वो जो अभी आपने पेड़ पर निशान देखे थे वो है टाइगर्स की मार्किंग. मतलब टाइगर ने अपना जो एरिया होता है या फिर अपने जहाँ से क्रॉस करते हैं वहाँ पर पेड़ पर निशान दे देते हैं एक साइन के लिए एक मार्क के लिए.
अपने नेल शार्प करते हैं, अपने जो नाखून है वो शार्प करते हैं, पर कितना गहरा कर रखा था मेरे तो फर्स्ट टाइम देख। कहते हैं जब तुम सुनते हो ऐसी बातें तो फिर नहीं यकीन होता, लेकिन जब एक्चुअल में निशान देखे कितने गहरे थे, वो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे किसी टूल से करे उसको, वो इंसान पर लगे सोच इंसान पे, वो तो विजय बन जाता वो। और ये हमारी पहली सूरज की किरण आते हुए, ऋषि के साथ थोड़ा सा टेम्परेचर भी राइज होगा, फाइनली थोड़ी सी ठंड कम लगने लगेगी। सो ऑल द जीप्स हैव स्टॉप्ड हियर फॉर सम साइट सीइंग। So how is your experience? You can see the pug marks of the tiger. Timing ka thoda sa fark reh gaya. Soon I will find. I know I am close. I know I will shine. Take me back to the jungle. Take me back to the jungle. Take me back to the jungle. So finally our ride has come to an end, jo hamari thi बिजरानी जोन की। दिस इज द अवंडा गेट बिजरानी रेंज। सो आई होप आप सबको ये वीडियो, ये शॉर्ट सारे पसंद आए होंगे एंड एक आइडिया लग गया होगा कि बिजरानी जोन में अगर आपको करनी है कैंपिंग तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भैया का नंबर, वहां जाकर आप बुक कर सकते हो डायरेक्ट। सो लेट अस रीच द होटल एंड जस्ट एंजॉय द कमिंग शॉर्ट्स। ये जो टाइम लैप्स में लेने वाला हूँ इसको एंजॉय करो। सो मच भाई यशवल जी ने इतना ध्यान से हमारा वहाँ पर टूरिंग कराई, हर चीज़ कराई, कोई भी हो कोई भी जोन हो सिवाय सब टोटल जो ठिकाला वगैरह है वो सब 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 पूरा कॉर्बेट है, पूरे कॉर्बेट की कोई भी सफारी की आपकी बुकिंग हो कोई भी चीज़ हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट यशपाल जी। वेरी 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 इजी फॉर यू ऑल टू जस्ट कम हियर एंड एंजॉय योर जंगल सफारीज, फॉरेस्ट सफारीज एंड एंटायर जिम कॉर्बेट। होटल से पिक करेंगे, होटल में छोड़ कर जाएंगे, यू जस्ट नीड टू कॉन्टैक्ट हिम। थैंक यू एवरी वन ऑफ यू हु वॉच द वीडियो टिल नाउ, और यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को एंड दोस्तों के लिए तो रिव्यू लेने बनते ही हैं। इधर आ जाओ लाइट में इधर। हाँ, हाउ वॉज योर जिम कॉर्बेट बिजरानी जोन्स टूर? देखो फर्स्ट टाइम था, सफारी करी, एक्सपीरियंस तो एकदम 10 out of 10 आया। बस एक्सपेक्टेशन थी कि आज कुछ अच्छा दिख जाता तो मज़े आ जाते, पर वो अपनी किस्मत हमारी नहीं थी, हमारी नहीं थी। हम दिल्ली से सोच कर आए थे कि टाइगर नहीं दिखेगा और नहीं दिखा यार, ये कह रहा था रॉयल वो है एनिमल है, ऐसे थोड़ी सबको दिख जाएगा, ऐसी थोड़ी ना उसकी फेस वैल्यू कम हो जाएगी। और ये साहब कह रहे थे कि इसको इंट्यूजन है, आप इंट्यूजन रॉन्ग प्रूफ हो गई। देखो हम 5 मिनट रह गए थे, और 5 मिनट किसकी वजह से रह गए थे सुन लो, 5 मिनट पहले एक टाइगर क्रॉस किया था उसके बाद रह गए थे हम नहीं इसकी फोटो खींच रहे थे ना लास्ट में, इसकी फोटो खींच रहे थे लास्ट में उसकी वजह से रह गए। जो हमारी सफारी वाला था उसने इन टोटल बोला कि हमने लेट कर दिया, लेट कर जबकि हम दोनों रेडी थे। एक इंसान है जिसने कैमरा पकड़ा, ध्यान दीजिए। एंड यहाँ पे आकर जंगल में आप या फिर जो भी फॉरेस्ट है यहाँ पर आकर आपको वाइब लेनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ टाइगर देखने जा रहे हो, इसके लिए नहीं होता, आप पूरे एनवायरनमेंट में वहाँ जाके लिटरली खो जाओगे। आई वाज जस्ट एंजॉयिंग द विंड्स, एक एक नेचर, एक एक जगह मैं एंजॉय कर रहा हूँ, और वहाँ जाकर बस यही चीज होती है कि जस्ट नीड टू एंडोर्स योर सेल्फ इन द एनवायरनमेंट। बस इतना ही था आज के लिए। सो दिस वॉज आर प्रॉपर्टी द ली रॉय कॉर्बेट रिसोर्ट, तो इसके अंदर हम रुके थे, मैं भी खेलूंगा द ली रॉयल कॉर्बेट रिजॉर्ट, इसके अंदर हम रुके थे। द स्टे वॉज गुड, द वेज वाटिका एक रेस्टोरेंट है आगे जाकर, वहाँ पर हमने खाना खाया था।
सो इफ़ यू हैव वॉच दिस वीडियो टिल नाउ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पर बहुत अमेजिंग इसकी फोटोज आने वाली हैं. एंड आपकी कोई भी सजेशन हो, कमेंट हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो बी यू क्रिएट न्यू, लेट्स एंड दिस व्लॉग ओवर हियर, क्योंकि अब हम इसके बाद निकलने वाले हैं नैनीताल, विच विल यू ऑल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग. सो अबाउट मी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, क्योंकि अब बज चुके हैं ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 10:30 बज चुके हैं, एंड हमें अभी चेकआउट करना है, बैक पैक्स करने हैं, खाना खाना है, एंड निकलना है नैनीताल की तरफ. खेलते रहेंगे ऐसी. एंड इफ यू एंजॉइंग द वीडियो, सब्सक्राइब कर देना. बाय बाय.